हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल की मूवी के अपडेट के बारे में और बात करेंगे डिज्नी प्लस के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि डिज्नी की अपकमिंग स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस में हमें काफी सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें कि मार्वल की मूवी होंगी, डिज्नी की मूवीज होंगी, एनिमेशन मूवीज होंगी, पिक्सल की, जी हाँ, और देन इसके साथ साथ हमें पुरानी मूवी भी देखने को मिलेंगी। और देन उसके बाद आप सब जानते हो कि नेटफ्लिक्स तो अब कुछ नहीं रहा है, इन फ्यूचर नेटफ्लिक्स को शायद कोई पॉसिबिलिटी ही वॉच करे, पर नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, तो हाँ डिज्नी काफी ज्यादा ऐसे कंपटीशन देने वाला है। अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की मूवी से रिलेटिव अपडेट क्या है। तो फाइनली कैप्टन मार्वल एमसीयू की पहली मूवी होगी जो कि डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, तो कैप्टन मार्वल मूवी ऐसी पहली है जो कि डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी ऑफिशियली। और देन ये मूवी अभी 8 मार्च को लगने वाली है और देन अप्रैल के महीने में डिज्नी प्लस चालू हो जाएगा, तो ऑफिशियली ये मूवी पहली एमसीयू की बन जाएगी। और आपको आगे फ्यूचर में शायद पूछा जा सकता है कि डिज्नी प्लस पर कौन सी पहली मूवी रिलीज हुई थी एमसीयू की, तो वो होगी कैप्टन मार्वल। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।